हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी उर्दू क्लासेज पर। तो आज हमारा चैप्टर है शेख पीरो, जो रसीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। आज हम इस सबक की तस्वीर देखेंगे। तो हमारा इकतबास फर्स्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे। इकतबास फर्स्ट। पीरो गदर में थे और इसके फिरो होने के बाद अरसे तक जिंदगी के हंगामे के तमाशे देखते हैं। बात यह है कि गदर के फिरो हो जाने के कुछ अरसे बाद तक गदर की होलना की कायम रही। जलजले के बाद भी जलजले के झटके आते रहते हैं। गदर से बहुत पहले पीरो वतन से दूर खाने कमाने चल दिए थे और कुछ ऐसे लापता रहे कि वतन में इनके रहलत कर जाने की खबर मशहूर हो गई, यानी कि इनके मर जाने की खबर मशहूर हो गई। गदर ख़त्म हुआ तो ये आज़मे वतन हुए, यानी कि वापस अपने वतन में आ गए। उधर पुलिस वालों को पीरो नाम के एक डाकू के जुल्म व सितम से बड़ी परेशानी थी, यानी कि पुलिस वालों को एक पीरो नाम का कोई डाकू है, उसके जो वो जो जुल्म सितम करता है उससे पुलिस वाले परेशान थे। परेशानी थी, पीरो की गिरफ्तारी का इनाम मुकर्रर था, यानी कि जो पीरो नाम का आदमी था उसकी गिरफ्तारी का इनाम मुकर्रर कर रखा था सरकार ने, जिसके हासिल करने में बहुत सारी गिरफ्तारी हयात से आज़ाद हो चुके थे। पुलिस वाले इस फिक्र में थे कि आबरू भी कायम रहे और जान भी और पीरो गिरफ्तार हो जाए। तो ये हमारा इकतबास था। और पुलिस वाले ये सोच रहे हैं कि हमें हमारा नाम भी मशहूर हो और हमसे पीरो भी गिरफ्तार हो जाए। तो हमारा तसरी में फर्स्ट नंबर का पॉइंट आता है मुसन्निफ़ का हवाला। ये इक्तिबास रसीद अहमद सिद्दीकी के मज़मून शेख पीरो से लिया गया है। रसीद अहमद सिद्दीकी का शुमार उर्दू के बेहतरीन इंसा पर्दाज़ों में होता है। इनके मज़मून में तंज व मज़ाह की चाशनी पाई जाती है। ज़राफ़त के साथ इन्होंने खाका निगारी में नुमाया खिदमत अंजाम दी। इनका बुनियादी मिजाज ज़राफ़त है, इसलिए बिस्तर खाकों में ज़राफ़त मौजूद थे नशे की तरह कार फरमा है। इनके खाकों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिनमें खंदा मजामिन रसीद जाकिर साहब काबिले ज़िक्र है। हमारा दूसरे नंबर का पॉइंट आता है अब सबक का हवाला। ये इकतबास रसीद अहमद सिद्दीकी के मजमून से एक पीरो से लिया गया है। ये एक शख्सी खाका है। इस मजमून में रसीद अहमद सिद्दीकी ने पीरो का खाका दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट आता है अब तसरी। इस इकतबास में रसीद अहमद सिद्दीकी ने गदर के बाद इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाली तकलीफ़ों परेशानियों को बयान किया है कि गदर तो ख़त्म हो चुका लेकिन इंसानी ज़िंदगी को गदर के बाद भी गमों और मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिलता, यानी कि गदर यानी कि युद्ध तो ख़त्म हो चुका लेकिन इंसानी ज़िंदगी को गदर के बाद भी मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि उनमें उनके जान माल की हानि हुई है और होने से उनके ऊपर मुसीबतें, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके घर ख़त्म हो गए, यानी जलजले के बाद जलजले आते रहते हैं। पीरो गदर से पहले ही खाने कमाने के लिए दूर चले गए थे और इस दरमियान ऐसे लापता हुए कि लोगों ने माना कि पीरो मर गए, यानी कि जो पीर थे वो खाने और कमाने के लिए अपने पेट को भरने के लिए यहाँ से बाहर चले गए थे, तो लोगों ने समझा कि पीरो मर गए। उधर पुलिस को पीरो नाम के एक डाकू की तलाश थी। पुलिस वालों को हर किस्म पर पीरो को गिरफ्तार करना था, चाहे इसके लिए किसी बेगुनाह को ही क्यों न पकड़ना पड़े। यानी कि पीरो नाम का डाकू था, उसके ऊपर इनाम रखा हुआ था सरकार ने, यानी कि पुलिस वालों से वो डाकू पकड़ा नहीं रहता तो पुलिस वाले कहते हैं कि भले हमें कोई बेगुनाह को ही क्यों ना पकड़ना पड़े।
हमारा इकतबास सेकंड आता है। अब इस तगसा की तरफ से बयान किया गया है कि पीरों और मीरों के लिखने में मुमकिन है कि कुछ इख्तलाफ हो, लेकिन पढ़ने में दोनों यकसा थे। पीरों को मीरों पढ़ सकते हैं और मीरों को पीरों। दूसरे ये कि पीरों का हुलिया ऐसा था जो खुद पीरों का मुमकिन है, हो या न हो पीरों का ज़रूर होगा। तीसरा ये कि जो माल मशरू का इनके जिस्म पर मुसल्लत था, वह कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स के कब्ज़े से बेक वक्त बरामद हो सके। मुलजिम ने यकीनन मुख्तलफ लोगों को मुख्तलफ अवकात में लूटा है। तो हम इस इक्तबास की तस्री देखते हैं। ये इक्तबास रसीद अहमद सिद्दीकी के मजमून शेख पीरों से लिया गया है। इस इक्तबास में रसीद अहमद सिद्दीकी ने इस अहद के कानूनी निज़ाम की हकीकत को वाज़ह किया है जिसके तहत पुलिस वाले अपनी शान और इज्जत बढ़ाने के लिए गुनाहगार की जगह किसी बेगुनाह को गिरफ्तार करने से नहीं डरते। पुलिस ने अपनी शान और इज्जत बचाने के लिए बगैर तफ्तीश के ही पीरो डाकू की जगह पीरो को पकड़ लिया, यानी कि पीरो डाकू की जगह इन्होंने पीरो को, जो खाने कमाने के लिए बाहर गए थे, उनको पकड़ लिया। इसके अलावा पीरों और मीरों का हल्ला इस कदर मिलता जुलता है कि दोनों एक ही शख्स है। और तीसरी इनकी दलील है कि पीरों जो सामान, कपड़े और रुपए बाहर से लेकर आया था, वह लूट का माल है, इसलिए भी पीरों को मीरों माना जा सकता है। यानी कि पीरों जो बाहर गए थे खाने कमाने के लिए, जो वहाँ से आधे टाइम जो कपड़े सामान और पैसे लेकर आए थे, उनको वह लूट का माल बताते हैं, इसलिए भी पीरों को मीरों कहा जाता है। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।